मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज फॉर एमएससी एंट्रेंस एग्जामिनेशन टॉपिक ऑन टेरिडोफाइटा। बच्चों हम आर्किगोनेटी यूनिट नंबर 4 आपके सीयूईटी पीजी बॉटनी के सिलेबस में हम ब्रायोफाइटा को पढ़ चुके हैं। ब्रायोफाइटा के ऊपर हम इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस कर चुके हैं। आज आर्किगोनेटी में जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा टॉपिक के ऊपर हम हंड्रेड ऑफ क्वेश्चन को आज के इस वीडियो में सॉल्व कर लेंगे। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है लेकिन आप सभी क्वेश्चन को जरूर से एक बार गो थ्रू करना, जरूर से एक बार पढ़ लेना, समझ लेना, पैटर्न को देख लेना। मैंने डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस को लिया है आपके टेरिडोफाइटा सिलेबस को कवर करते हुए, जिससे आपको पता लगेगा कि एमएससी बॉटनी एंट्रेंस एग्जामिनेशन में टेरिडोफाइटा टॉपिक में से किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कैसे आपको अपनी तैयारी करनी है। बच्चों मैं आपको बता दूं कि एमएससी बॉटनी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए मैंने लास्ट सेशन 2022 के सेशन के लिए भी बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, जिसमें से बच्चों ने क्वेश्चंस को करा एंड उनके मेरे पास मैसेज आए कि उनको इन क्वेश्चन से काफी हेल्प मिली है, काफी सपोर्ट मिला है अपनी तैयारी करने में, अपने एंट्रेंस एग्जाम को क्लियर करने में। इस सेशन के लिए मैं फिर से आपको डिफरेंट टाइप्स की क्वेश्चंस दे रही हूँ, अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर मैं आपको क्वेश्चंस दे रही हूँ। चाहे आप सीयूईटी पीजी की तैयारी कर रहे हैं, यूआरईटी पीजी देने जा रहे हैं, या किसी और एमएससी एंट्रेंस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, किसी और यूनिवर्सिटी के लिए आप अपनी तैयारी कर रहे हैं, बॉटनी के सिलेबस में क्वेश्चंस का जो पैटर्न होता है, जो टॉपिक्स होते हैं, वो करीब करीब सेम होते हैं। तो ये क्वेश्चंस आपके लिए बेनिफिशियल रहेंगे, आपको हेल्प मिलेगी, आपको एक गाइडेंस मिलेगी। सभी क्वेश्चंस को आप एक बार जरूर से सॉल्व करके जाए। एंड बेस्ट मेथड होता है कि जब मैं क्वेश्चन को पढ़ती हूँ आप अपनी कॉपी को साथ में लेकर बैठे एंड अपना आंसर को टिक करें एंड देन मैच करें कि जो मैंने आंसर बताया है और जो आपका आंसर है, आपका आंसर सही है कि नहीं है, जिससे कि आपको साथ ही साथ में इवैल्यूएशन होता जाएगा कि आपकी अपनी तैयारी कितनी है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। मैं रिश्मा कपूर, बॉटनी लेक्चरर, जयपुर। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, वैस्कुलर क्रिप्टो गेम्स आर, संवहनी क्रिप्टो गेम्स पादप हैं, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, एल्गी और फंजाई। तो यहाँ पर हमको टर्म को समझना है। वैस्कुलर बंडल जिसमें मिलते हैं उनको हम संवहनी पादप कहते हैं। एंड क्रिप्टो गेम्स, ये टर्म हम ऐसे प्लांट्स के लिए यूज करते हैं जो कि सीड लेस होते हैं, मीन्स जिसमें सीड नहीं बनते, बीज रहित पादप, उनको हम क्रिप्टो गेम्स कहते हैं। एंड जिनमें बीज का फॉर्मेशन होता है उनको हम फेनरो गेम्स कहते हैं। तो यहाँ पर हमको बताना है ऐसा कौन सा प्लांट ग्रुप है जिसमें वैस्कुलर बंडल होता है लेकिन साथ ही सीड का फॉर्मेशन नहीं होता। सो ऑप्शन हमारा सही ऑप्शन है टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइट्स ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनमें वैस्कुलर बंडल, जाइलम एंड फ्लोएम पाया जाता है, लेकिन ये जो प्लांट्स हैं ये सीड का फॉर्मेशन नहीं करते। सो ऑप्शन बी इज राइट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायो फर्टिलाइजर्स ऑब्टेन फ्रॉम, जैव उर्वरक प्राप्त किए जाते हैं, राइनिया से, साइलोफाइटोन से, इक्विसिटम से और अजोला प्लांट से। सो सही आंसर है हमारा अजोला प्लांट। अजोला एक टाइडोफाइटोफन प्लांट है जिसको यूज किया जाता है पैडी फील्ड में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, स्पोर्स ऑफ टेरिडोफाइट्स आर, टेरिडोफाइटा के बीजाणु होते हैं, हैप्लोइड मीन्स आगुणित, ट्रिप्लोइड त्रिगुणित, डिप्लोइड या द्विगुणित, टेट्राप्लोइड और चतुर्गुणित। टेरिडोफाइट्स के जो स्पोर्स होते हैं ये हैप्लोइड होते हैं, आगुणित होते हैं। स्पोर्स का फॉर्मेशन मियोसिस से होता है, ठीक है, अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है, इसलिए टेरिडोफाइटा के स्पोर्स हैप्लोइड होते हैं। बच्चों मैं आपको बता दूं, स्पोर्स चाहे टेरिडोफाइटा के हो या फिर ब्रायोफाइट्स के हो या फिर जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स के, स्पोर्स प्लांट किंगडम में हैप्लोइड होते हैं। सो ऑप्शन ए इज राइट हियर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, स्पोरोफिटिक जनरेशन इज डोमिनेंट इन, बीजाणुद्भिद पीढ़ी निम्न में प्रभावी पीढ़ी है, कौन सा ऐसा प्लांट ग्रुप है जिसमें स्पोरोफिटिक जनरेशन डोमिनेंट होती है, ब्रायोफाइट्स, एल्गी और शैवाल, टेरिडोफाइट्स और फंजाई।
पर यहाँ पर जो स्पोरोफाइट पीढ़ी प्रभावी पीढ़ी होती है वो टेरिडोफाइट्स प्लांट्स ग्रुप में होती है। ब्रायोफाइट्स है, एल्गी है, फंजाई है, ये गैमेटोफाइट इनमें प्रभावी पीढ़ी होती है। सो ऑप्शन बी इज राइट है। प्लांट किंगडम में टेरिडोफाइट्स है, जिम्नोस्पर्म्स है, एंजियोस्पर्म है, इनमें डोमिनेंट जनरेशन स्पोरोफिटिक होती है, बीजाणुत्पीत पीढ़ी इनमें प्रभावी पीढ़ी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोथैलस अकर्स इन। प्रोथैलस का निर्माण होता है पायरोफाइटा में, टेरिडोफाइटा में, जिम्नोस्पर्म में और एंजियोस्पर्म में। ये जो प्रोथैलस होता है ये एक थैलस लाइक बॉडी होती है जो कि गैमेटोफिटिक होती है। हैप्लोइड स्पोर्स जर्मिनेट होते हैं। हैप्लोइड स्पोर्स के जर्मिनेशन से एक थैलस लाइक स्ट्रक्चर बनती है, इसी को हम प्रोथैलस कहते हैं। एंड प्रोथैलस का फॉर्मेशन स्पोर्स से टेरिडोफाइट्स में होता है, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म में जो गैमेटोफिटिक जनरेशन होती है वो हाईली रिड्यूस्ड होती है, इनमें प्रोथैलस का फॉर्मेशन नहीं होता। सो ये ऑप्शन रॉन्ग हो जाएंगे। इसी तरह पायरोफाइटा जो कि एल्गीज में आप पढ़ते हैं उसमें भी प्रोथैलस का फॉर्मेशन नहीं होता है। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी या टेरिडोफाइटा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है हिट्रोस्पोरी इज फाउंड इन। विषम बीजाणुकता पाई जाती है लाइकोपोडियम में, सिलेजिनेला में, राइनिया में और साइलोटम में। सो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट है। हिट्रोस्पोरी मीन्स ऐसी कंडीशन है जिसमें दो टाइप्स के स्पोर्स बनते हैं, माइक्रोस्पोर्स जो कि साइज में छोटे होते हैं एंड मेगा स्पोर जो कि साइज में बड़े होते हैं। तो प्लांट किंगडम में जो सबसे पहले हिट्रोस्पोरी को रिपोर्ट किया गया वो सिलिजिनेला प्लांट में किया गया है। सो ऑप्शन बी इज राइट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग वास ट्री, निम्न में से कौन सा वृक्ष था, राइनिया, साइलोफाइटोन, लेपिडोडेंड्रोन और अजोला प्लांट। सो यहाँ पर बच्चों अगर आपको नहीं भी समझ में आए, ठीक है, नहीं भी हमारे को कई बार याद आता तो आप ये जो टर्म है ना डेंड्रोन, डेंड्रोन हम फॉसिल स्टेम के लिए करते हैं, ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो गया। लेपिडोडेंड्रोन एक वृक्ष था, फॉसिल जो हमको मिलते हैं हम रिकंस्ट्रक्शन उनका करते हैं एंड देन फिर उसकी स्टडी की जाती है। जैसे कार्पन हम यूज में लेते हैं सीड के लिए, ओव्यूल के लिए, तो इस तरह से लेपिडोडेंड्रोन एक फॉसिल ट्री था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है इन डिक्टिव स्टील ईच कंपोनेंट इज कॉल्ड, जाल रंभ का प्रत्येक घटक क्या कहलाता है, मेरिस्टील, प्लेक्टोस्टील, प्रोटोस्टील और एक्टिनोस्टील। तो ये जो क्वेश्चन है आपके टेरिडोफाइटा में एक टॉपिक दे रखा है स्टीलर सिस्टम, उसमें से आया हुआ क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्टीलर सिस्टम के जो टर्म्स हैं उनको आपने याद करके जाना है, एग्जांपल आपने याद करके जाना है, इसके ऊपर क्वेश्चन जरूर से पूछे जाते हैं। डिक्टिव स्टील का जो कॉम्पोनेंट होता है उसे हम मेरी स्टील कहते हैं। सो ऑप्शन ए इज राइट है। प्रोटोस्टील में क्या होता है, इसमें पिथ नहीं होता, सॉलिड जाइलम एंड फ्लोएम होता है। इसी तरह एक्टिनो स्टील इट इज अ फॉर्म ऑफ प्रोटो स्टील, प्लेक्टो स्टील इज आल्सो फॉर्म ऑफ प्रोटो स्टील और ठोस रंभ, एंड मेरी स्टील जो होता है वो डिक्टिव स्टील जो जाल रंभ बनता है उसके एक कंपोनेंट को, एक घटक को हम मेरी स्टील कहते हैं, ठीक है। इस तरह से मेरी स्टील का फॉर्मेशन होता है, इस तरह से मेरी स्टील हमारे को पीएस में दिखाई देता है, ठीक है। सो दिस इज अ मेरिस्टील एंड ग्रुप ऑफ मेरिस्टील, इसको भी हम जाल रंभ कहते हैं। नेक्स्ट है लेपिडोडेंड्रोन इज अ फॉसिल ऑफ, लेपिडोडेंड्रोन किसका जीवाश्म है, रूट यानी कि जड़ का, तने का, फल का या बीजांड का। सो ऑप्शन सी इज राइट हियर। डेंड्रोन जो टर्म है हम इस टाइम के लिए यूज में लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है मैड्यूलेटेड प्रोटोस्टील इज कॉल्ड, मज्जा युक्त प्रोटोस्टील को हम क्या कहते हैं, हैप्लोस्टील, साइफनोस्टील, टेक्टोस्टील और एक्टिनोस्टील। तो ऐसा प्रोटोस्टील जिसमें मज्जा पाई जाती है उसको हम साइफनोस्टील कहते हैं। ऑप्शन सी इज राइट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइलोफाइटोन वाज डिस्कवर्ड बाय, साइलोफाइटोन को खोजा था किट्सन एंड लैंग ने, बीरबल साहनी ने, जे डब्ल्यू डॉसन ने और सी ए आर्नोल्ड ने। तो आप कुछ फॉसिल्स को किसने डिस्कवर किया है, कहां पर किया है, इसको भी आप याद कर लेना, इसके ऊपर क्वेश्चन बन जाते हैं। यहाँ पर ऑप्शन सी राइट है, जे डब्ल्यू डॉसन ने।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है राइनिया लैक्स, राइनिया में अभाव होता है, राइनिया एक फॉसिल टेरिडोफाइट प्लांट है, तो इसमें क्या नहीं मिलता, जड़ नहीं मिलती, स्पोरेंजिया या बीजाणुधानी नहीं बनते, राइजोइड्स नहीं होते या स्पोर्स बीजाणु का फॉर्मेशन नहीं होता। तो राइनिया प्लांट में राइजोइड्स का जड़ का अभाव होता है, राइनिया प्लांट में जड़ नहीं पाई जाती, जड़ की जगह राइनिया में राइजोइड्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरिस्टेल इज अ पार्ट ऑफ, मेरिस्टेल किसका भाग है। देखो स्टीलर सिस्टम में मैंने इससे पहले एक क्वेश्चन दिया कि मेरिस्टेल किसका कंपोनेंट है या डिक्टो स्टील का जो कंपोनेंट होता है उसको हम क्या कहते हैं। अब इसी क्वेश्चन को मैंने इस फॉर्म में दे दिया है, प्रोटो स्टील का पार्ट है, सोलेनो स्टील का पार्ट है, डिक्टो स्टील का पार्ट है और पॉलीसाइक्लो स्टील का पार्ट है। सो सही ऑप्शन है यहाँ पर सी। मीन्स मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि जो आपके स्टीलर सिस्टम में स्टील के टाइप्स दे रखे उसके जो सब टाइप्स होते हैं उसकी जो फॉर्म्स होती हैं उसको आपने याद करके जाना है। क्वेश्चंस को कैसे भी पूछा जा सकता है, अभी आगे मैं एग्जांपल्स के साथ में भी आपको क्वेश्चंस दूंगी, आपको पता होना चाहिए कि किस टेरिडोफाइट प्लांट्स में किस टाइप का स्टील मिलता है। ठीक है, सो मेरिस्टील इज ए पार्ट ऑफ डिक्टियो स्टील। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है अ स्टील विदाउट पिथ, ऐसा स्टील जिसमें मज्जा नहीं होती, मज्जा रहित रंभ, इसको हम क्या कहते हैं, सोलेनो स्टील, साइफनो स्टील, हैप्लो स्टील और डिक्टियो स्टील। ठीक है, तो ऐसा रंभ, ऐसा स्टील जिसमें पिथ नहीं पाया जाएगा, ठीक है, वो हो गया हैप्लो स्टील। यहाँ पर जो चार ऑप्शन दे रखे, बिकॉज सोलेनो स्टील इज द फॉर्म ऑफ साइफनो स्टील, नली रंभ एंड नाल रंभ। ठीक है, सबसे पहले बने प्रोटो स्टील, प्रोटो स्टील के टाइप है हैप्लो स्टील जिसमें पिथ नहीं पाया जाता, डिक्टियो स्टील, साइफनो स्टील एंड सोलेनो स्टील, ये बाद में पिथ के बनने के बाद में इनसे ओरिजिनेटेड हुए हैं। ठीक है, सो यहाँ पर जो सही ऑप्शन दे रखा है मज्जा रहित रंभ है हैप्लो स्टील। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है एम्फीफ्लोइक साइफनो स्टील हैज उभे फ्लोएमी, नाल रंभ रखता है, फ्लोएम टुवर्ड्स इनर साइट ऑफ जाइलम, मीन्स जाइलम के इनर साइट पर फ्लोएम रखता है, फ्लोएम ऑन बोथ साइड ऑफ जाइलम, जाइलम के दोनों साइड पर फ्लोएम रखता है, फ्लोएम सराउंडेड जाइलम या जाइलम को सराउंड करने वाला जो फ्लोएम होता है, फ्लोएम आउटसाइड दी जाइलम या जाइलम के बाहर जो फ्लोएम होता है। ठीक है, यहाँ पर अगर हम स्टील को ड्रॉ करें तो साइफनो स्टील में सेंटर में एक पिथ होता है, ठीक है, एंड इसके चारों तरफ है ये जाइलम, दिस वन इज जाइलम, एंड ऐसा फ्लोएम जो कि जाइलम के दोनों साइड पर पाया जाता है। ठीक है, जाइलम के दोनों साइड पर फ्लोएम जब मिलता है तो उसको हम कहते हैं एम्फीफ्लोइक साइफनो स्टील। ठीक है, तो यहाँ पर फ्लोएम जाइलम के दोनों साइड पर पाया जाएगा, सो ऑप्शन बी इज राइट हियर। द टर्म प्रोटो स्टील वॉज गिवन बाय, प्रोटो स्टील टर्म किसने सबसे पहले दिया था, चिमरमान ने, एंड्रयूज ने, पॉवर ने और जेफरे ने। तो करेक्ट ऑप्शन इज डी हियर, जेफरे ने सबसे पहले प्रोटो स्टील टर्म को दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टेरिडोफाइटा एज ग्रुप रिसेम्बल्स ब्रायोफाइट हैविंग, निम्न लक्षणों में टेरिडोफाइटा ब्रायोफाइटा से समानता दर्शाता है। यहाँ पर चार ऑप्शन दे रखे हैं और हमको बताना है कि कौन सा करेक्ट ऑप्शन है जिसमें ऐसा कैरेक्टर दे रखा है जिस कैरेक्टर के चलते ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा आपस में रिसेम्बलेंस को शो करते, समानता को दर्शाते हैं। ऑप्शन ए है प्रेजेंस ऑफ वैस्कुलर टिश्यू, संवहन ऊतक की उपस्थिति, आर्किगोनिया, फ्लावर्स एंड सीड्स। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दे रखे है ऑप्शन ए यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा, ब्रायोफाइट में वैस्कुलर बंडल नहीं पाए जाते, इसी तरह टेरिडोफाइट्स एंड ब्रायोफाइट्स दोनों में फ्लावर या पुष्प का निर्माण नहीं होता, ये ऑप्शन बी रॉन्ग हो जाएगा, एंड सीड्स भी दोनों ही ग्रुप में नहीं बनते, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट है। आर्किगोनिया दोनों ही प्लांट ग्रुप में पाई जाती है, तो ये एक ऐसा कैरेक्टर है जिस कैरेक्टर में टेरिडोफाइटा रिसेम्बलेंस दिखाता है ब्रायोफाइटा प्लांट ग्रुप से। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अ प्लांट इन डिविजन साइलोफाइटा हैज नो ट्रू, साइलोफाइटा में
क्या सत्य रूप में उपस्थित नहीं होता। ठीक है, प्लांट का ऐसा डिवीजन जिसका नाम क्या है, साइलोफाइटा, तो उसमें कौन सा ट्रू जो स्ट्रक्चर है एब्सेंट होता है, नहीं पाया जाता। ऑप्शन दे रखे लीव्स एंड रूट्स, पत्तियां व जड़े, गैमेट्स, स्पोरोफाइट एंड गैमेटोफाइट। ठीक है, तो साइलोफाइटा में हम साइलोटम को पढ़ते हैं। साइलोटम में बच्चों आपने पढ़ा है कि गैमेट्स भी बनते हैं। साइलोटम इज अ प्लांट ऑफ टेरिडोफाइट्स, तो उसका जो स्पोरोफाइट प्लांट बॉडी होती है, ठीक है, बीजाणु भेद भी उसमें मिलता है एंड गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन भी होता है। लेकिन साइलोफाइटा ग्रुप में जो प्लांट्स आते हैं उनमें ट्रू लीव्स नहीं पाई जाती और साथ ही उनमें जड़ें भी नहीं होती, जड़ों की जगह राइजोइड्स पाए जाते हैं। सो ऑप्शन ए इज राइट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्पोरेंजिया ऑफ राइनिया आर, राइनिया की बीजाणुधानी होती है। ऑप्शन है एपिकल एंड होमोस्पोरस, मींस शीर्षस्थ, शीर्षस्थ एंड संबीजाणुक। नेक्स्ट ऑप्शन है लैटरल एंड होमोस्पोरस, मींस पार्श्वीय, पार्श्वीय पोजीशन पर पाई जाती है एंड संबीजाणुक होती है। एपिकल एंड हेटरोस्पोरस, शीर्षस्थ होती है लेकिन विषम बीजाणु होती है। एंड नेक्स्ट ऑप्शन है लेटरल एंड हेटरोस्पोरस, मींस पार्श्वीय होती है लेकिन विषम बीजाणु होती है। तो राइनिया एक फॉसिल टेरिडोफाइट प्लांट है, इसमें हेटरोस्पोरस टाइप की, विषम बीजाणु टाइप की स्पोरेंजिया नहीं पाई जाएगी। ठीक है, सो ऑप्शन सी एंड डी यहाँ पर रॉन्ग हो जाएंगे। नेक्स्ट है एपिकल एंड होमोस्पोरस, मींस शीर्षस्थ पोजिशन पर होती है या लेटरल पोजिशन पर होती है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट है। राइनिया की जो बीजाणुधानियां होती है वो एपिकल होती है, शीर्ष पोजीशन पर पाई जाती है एंड होमोस्पोरस होती है, मींस दोनों टाइप्स के स्पोर्स, माइक्रो एंड मेगा स्पोर्स यहाँ पर नहीं बनते, जो स्पोर्स बनते हैं वो सेम मॉर्फोलॉजी के होते हैं। सो ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइनिया वाज डिस्क्राइब्ड बाय, राइनिया को खोजा था या इसका वर्णन किया था किट्सन एंड लैंग ने, डाउसन ने, बियर होस्ट ने और मेहरा ने। सो राइनिया वाज डिस्क्राइब बाय किट्सन एंड लैंग, ऑप्शन ए इज राइट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द न्यू नेम फॉर राइनिया मेजर इज, राइनिया मेजर का नया नाम क्या है ये हमको बताना है। टेरिस है, नोटोथाइलस है, हॉर्नियोफाइटन है और एगेलोफाइटन है। सो ऑप्शन डी इज राइट हियर, न्यू नेम फॉर राइनिया मेजर इज एगेलोफाइटन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लिक्यूल इज प्रेजेंट इन, लिक्यूल किस पे उपस्थित होता है, राइनिया में, सिलिचिनेला में, साइलोटम में और लाइकोपोडियम में। सो ऑप्शन सी इज राइट हियर। सिलिचिनेला का जो स्टेम होता है डेलिकेट साइज का स्टेम होता है, माइक्रोफिलस स्टेम में, जिस पर बहुत छोटी सेसाइल लीव्स अरेंज्ड होती हैं एंड लीव्स के बेसिस पर इस तरह से एक बहुत डेलिकेट आउटग्रोथ मिलती है जिसको हम लिक्यूल कहते हैं। सो इसकी जो लीव्स होती है वो लिक्यूलेटेड होती है। सो ऑप्शन सी इज राइट है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इन सिलिचिनेला मियोसिस अकर ड्यूरिंग, सिलिचिनेला में अर्धसूत्री विभाजन किस अवस्था में मिलता है, स्पोर फॉर्मेशन के समय, बीजाणु निर्माण के समय या गैमेट फॉर्मेशन के समय, जायगोट के फॉर्मेशन के समय या स्पोरोफाइट फॉर्मेशन के समय। तो जो सिलिचिनेला प्लांट होता है ये टेरिडोफाइटा प्लांट ग्रुप है जिसमें मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफिटिक या बीजाणु उद्भिद होती है एंड स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी में मियोसिस या अर्धसूत्री विभाजन स्पोर फॉर्मेशन के समय होता है। सो ऑप्शन ए इज राइट है। यहाँ पर आपको कोई और टेरिडोफाइटा प्लांट का नाम भी दिया जा सकता है। ठीक है, स्पोर फॉर्मेशन के समय स्पोरोफाइट प्लांट बॉडी में मियोसिस या अर्धसूत्री विभाजन होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इक्विसिटम इज कॉमनली कॉल्ड एज, इक्विसिटम को प्राय इस नाम से सामान्यतया जाना जाता है। तो इस तरह से बच्चों इंपॉर्टेंट प्लांट्स के आप कॉमन नेम भी याद करके जाएंगे। ऑप्शन ए है होमोस्पोरस संबीजाणु प्लांट, हेटरोस्पोरस और विषम बीजाणु प्लांट, स्पाइक प्लांट और हॉर्स टेल्स प्लांट। सो इक्विसिटम इसको हम हॉर्स टेल्स प्लांट के नाम से भी जानते हैं। सो ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पोरेंजिया डेवलप इन इक्विसिटम ऑन, इक्विसिटम में बीजाणु धानी का परिवर्धन होता है, अपर सरफेस ऑफ स्पोरोफिल्स, बीजाणुपर्ण की ऊपरी सतह पर, स्पोरेंजियोफोर पर, मींस बीजाणु धानी धर पर,
और वेजिटेटिव लीव्स पर, काईट पत्तियों पर या लोअर सरफेस ऑफ स्पोरोफिल्स या बीजाणु पर्ण की निचली सतह पर। इक्विसिटम में स्पोरेंजियोफोर्स पाए जाते हैं, बीजाणु धानी दर पाए जाते हैं। बीजाणु धानी दर एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होती है, इसका जो राइजोम होता है, इसका जो स्टेम होता है, इस तरह से नोड्स एंड इंटरनोड्स में डिफरेंशिएटेड होता है एंड ऊपर की ओर एक स्टॉक लाइक स्टी ब्रांच निकलती है, इरेक्ट ब्रांच निकलती है जिसके एपेक्स पर एक स्ट्रोबिलस बनता है। ठीक है, इसी को हम, ये जो स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है इसी को हम स्पोरेंजियो फोर कहते हैं एंड इसके एपेक्स पोर्शन पर टर्मिनल एक स्ट्रोबिलस और कोन बनता है। स्ट्रोबिलस में कई सारी स्पोरेंजिया होती हैं, सो इक्विसिटम में स्पोरेंजिया का परिवर्धन या डेवलपमेंट स्पोरेंजियो फोर पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनफुट ऑफ इक्विसिटम द एंडोडर्मिस इज, इक्विसिटम के पाद में एंडोडर्मिस या अंतस्थ त्वचा होती है, प्रेजेंट पाई जाती है, उपस्थित होती है, एब्सेंट होती है या नहीं मिलती, टू लेयर्ड होती है और मल्टी लेयर्ड होती है। तो बच्चों यहाँ पर जो फुट दे रखा है ना इक्विसिटम, ये जस्ट आपको कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है, यहाँ पर इसका मतलब है राइजोम से। ठीक है, इक्विसिटम का जो प्लांट होता है इसमें एक राइजोम होता है जो कि अंडर द ग्राउंड होता है। ठीक है, तो यहाँ पर राइजोम का जब टीएस काटते हैं तो इसमें एंडोडर्मिस दिखाई देती है जो कि बाइलेयर्ड होती है, एक होती है आउटर एंडोडर्मिस एंड एक होती है इनर एंडोडर्मिस। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से एनाटॉमी को आपने किस तरह से याद करना है डिफरेंट प्लांट मेंबर्स को लेते हुए, वो मैं आपको इन क्वेश्चन से बता रही हूँ। तो इक्विसिटम के राइजोम में जो एंडोडर्मिस होती है वो टू लेयर्ड और द्विपरती या बाइलेयर्ड होती है, ऑप्शन सी इज राइट है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वैलिकुलर केनाल इन इक्विसिटम इज सिचुएटेड, वैलिकुलर केनाल इक्विसिटम में जो पाई जाती है कहाँ पर स्थित होती है, ये हमको बताना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, इक्विसिटम में पाई जाने वाली वैलिकुलर केनाल है, क्रेनियल केनाल है, इनकी पोजीशन आपको पता होना चाहिए, ये किसके डिसइंटीग्रेशन से बनती है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो इक्विसिटम में जो वैलिकुलर केनाल पाई जाती है बिलो द रिजेस उभारों के नीचे होती है या बिलो द फ्यूरोस खांचों के नीचे होती है, बिलो द रिजेस एंड फ्यूरोस बोथ उभार और खांच दोनों के नीचे होती है और बिटवीन द पिथ एंड द एपिडर्मिस या एपिडर्मिस व मज्जा के बीच में पाई जाती है। इक्विसिटम का जब हम टीएस करते हैं स्टेम का तो इस तरह से हमारे को फ्यूरोस एंड रिजेस दिखाई देती है। तो यहाँ पर जो एक खांचे होती है ना, फ्यूरोस जो होते हैं इसके नीचे हमको दिखाई देती है इसमें पाई जाने वाली वैलिकुलर केनाल। सो ऑप्शन बी इज राइट हियर, बिलो द फ्यूरोस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेजेंस ऑफ एयर कैविटीज इन द स्टेम ऑफ इक्विसिटम इंडिकेट्स, इक्विसिटम के तने में वायु रिक्तिकाओं का मिलना दर्शाता है, कौन सा एडेप्टेशन दर्शाता है ये हमको बताना है। जीरोफिटिक फीचर, मरुद्विदीय लक्षण है, हाइड्रोफिटिक फीचर है, जलीय लक्षण है, मीजोफिटिक फीचर है या स्थलीय लक्षण है और हेलोफिटिक फीचर और लवणीय लक्षण है। इक्विसिटम के स्टेम में एयर कैविटीज का पाया जाना एक हाइड्रोफिटिक फीचर को दिखाता है, सो ऑप्शन बी इज राइट है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इफ स्पोरेंजिया आर डेवलप्ड फ्रॉम अ सिंगल इनिशियल सेल द डेवलपमेंट ऑफ स्पोरेंजिया इज डेजिग्नेटेड एज, यदि बीजाणुधानी का निर्माण एकल कोशिका से होता है तो इस प्रकार के बीजाणुधानी का परिवर्धन कहलाता है। यूस्पोरेंजिएट टाइप, लेप्टोस्पोरेंजिएट टाइप, मोनोस्पोरेंजिएट और पॉलीस्पोरेंजिएट। पेडोफाइट्स प्लांट्स ग्रुप में स्पोरेंजिया का डेवलपमेंट या तो सिंगल इनिशियल से होता है या ग्रुप से होता है, दो टाइप्स के डेवलपमेंट पाए जाते हैं। यू स्पोरेंजिएट इसमें ग्रुप ऑफ सेल से होता है, ठीक है, इसमें ग्रुप ऑफ सेल्स होती है एंड लेप्टोस्पोरेंजिएट में सिंगल इनिशियल होता है, ठीक है, सिंगल सेल से डेवलपमेंट होता है, सो ऑप्शन बी इज राइट है, लेप्टोस्पोरेंजिएट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ वेनेशन इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फर्न, किस प्रकार का शिरा विन्यास फर्न पादपों का लक्षण है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। टाइडोफाइट्स के जो एडवांस्ड प्लांट होते हैं जिनको हम फर्न्स कहते हैं, इनमें बड़ी लीव्स होती, फ्रॉन्ट लाइक लीफ होती और इसी से इनको हम फर्न नाम दिए हैं। सो फर्न्स में किस टाइप का वेनेशन मिलता है, पैरेलल वेनेशन होता है, डाइकोटोमस होता है, रेटिकुलेट होता है और ओपन फर्केट होता है, सो ऑप्शन डी इज राइट है। फर्न्स प्लांट्स में जो लीव्स होती है इनमें ओपन फर्केट टाइप का वेनेशन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ प्लांट शोइंग वैस्कुलर टिश्यूज बट नॉट प्रोड्यूस सीड्स,
belongs to. संवान बंडल रखने वाले पादप जो कि बीज का निर्माण नहीं करते हैं वो किससे संबंधित है? जिम्नोस्पर्म्स, टाइडोफाइट्स, ट्रायोफाइट्स और एंजियोस्पर्म्स. ऑप्शन बी इज राइट है. टाइडोफाइट्स प्लांट्स में वैस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट होते हैं लेकिन सीड का फॉर्मेशन नहीं होता. नेक्स्ट क्वेश्चन है इन्फांट्स मियोसिस टेक प्लेस ड्यूरिंग. पर्ण पादपों में अर्धसूत्री विभाजन के समय होता है. जर्मिनेशन ऑफ स्पोर्ट्स बीजाणु अंकुरण के समय. फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्ट्स बीजाणु निर्माण के समय. फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स गैमेट्स के फॉर्मेशन के समय. और फॉर्मेशन ऑफ आर्किकोनियम स्त्रीधानी निर्माण के समय. सो फन प्लांट्स जो कि टाइडोफाइट्स के एडवांस प्लांट होते हैं इनमें मियोसिस डिवीजन अर्धसूत्री विभाजन स्पोर्ट्स या बीजाणु निर्माण के समय होता है. ऑप्शन बी इज राइट है. नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है द मेजर रोल इन डिहाइजेंस ऑफ अ फन स्पोरेंजियम इज प्लेड बाय इट्स. फर्न पादपों में बीजाणुधानी के स्फुटन में मुख्य भूमिका किसकी होती है? फर्न में जो स्पोरेंजिया पाई जाती है इनके डिहाइजेंस में किसका इंपॉर्टेंट रोल होता है? सोरस का. सोरस हम बीजाणुधानी के ग्रुप को कहते हैं. बीजाणुधानी पुंज सोरस कहलाता है. या टैपेटम का. टैपेटम एक न्यूट्रिटिव लेयर होती है. इंडूशियम का, आच्छद का या फिर एनुलस वलयिका का. सो ऑप्शन डी इज राइट है. जो फर्न प्लांट्स होते हैं उसमें जो स्पोरेंजिया पाई जाती है इस तरह से स्पोरेंजिया के बाहर चारों तरफ एक लेयर में थिक सेल्स मिलती हैं, ठीक है, थिक वॉल्ड सेल्स होती हैं जिसको हम एनुलस कहते हैं और ये एक रिम लाइक स्ट्रक्चर बनाती है. इसके द्वारा स्पोरेंजिया का स्फुटन होता है एंड स्पोर्स रिलीज होते हैं. सो ऑप्शन डी इज राइट है. दिस वन इज एनुलस. नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच वन इज हेटरोस्पोरस. कौन सा एक विषम बीजाणु प्लांट है? मार्सिलिया, इक्विसिटम, राइनिया और लाइकोपोडियम. सो ऑप्शन बी सी डी यहाँ पर रॉन्ग है. ये तीनों जो जीनस दे रखे हैं टाइडोफाइट प्लांट्स के ये होमोस्पोरस होते हैं. मार्सिलिया इज हेटरोस्पोरस प्लांट. नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है स्पोरोकार्प इज प्रेजेंट इन. स्पोरोकार्प मिलता है साइलोटम में, मार्सिलिया में, राइनिया में और इक्विसिटम में. सो यहाँ पर ऑप्शन बी राइट है. सेकंड जो ऑप्शन दे रखा है ये राइट है. मार्सिलिया में स्पोरोकार्प पाया जाता है. स्पेशल टाइप की स्ट्रक्चर है जिसमें स्पोरेंजिया का डेवलपमेंट होता है. मार्सिलिया में इस तरह से एक पिटियोल होता है जिसके टर्मिनल पोजिशन पर फोर ब्रॉड लीव्स होती हैं एंड पिटियोल के बेसल पोर्शन पर स्पेशल स्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होता है जिसे हम स्पोरोकार्प कहते हैं. स्पोरोकार्प में स्पोरेंजिया का डेवलपमेंट होता है. सो ऑप्शन बी इज राइट है. मार्सिलिया. नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है एम्फीफ्लोइड साइफनोस्टील इज फाउंड इन. उभय फ्लोएमी नाल रंभ पाया जाता है लाइकोपोडियम में, साइलोटम में, मार्सिलिया में, इक्विसिटम में. तो यहाँ पर मैंने आपसे जो क्वेश्चन दिया है आपको उसमें एग्जांपल पूछ लिया है. तो इस तरह से आपको सभी टाइप्स के जो स्टील्स हैं वो कौन से जीनस में मिलते हैं, कौन से टाइडोफाइटा के मेंबर्स में मिलते हैं उनके नाम पता होना चाहिए. यहाँ पर ऑप्शन थर्ड राइट है. मार्सिलिया में उभय फ्लोएमी और एम्फीफ्लोइड साइफनोस्टील पाया जाता है. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पोरोकार्प्स आर अरेंज्ड इन मार्सिलिया ऑन. मार्सिलिया में जो स्पोरोकार्प पाए जाते हैं वो कहाँ पर मिलते हैं, कहाँ पर व्यवस्थित होते हैं? बिलो द रिजेस, उभारों के नीचे, बेस ऑफ पिट्यूल, व्रंथ के आधार पर, राइजोम पर और नन ऑफ द अबव, उपरोक्त में से कोई नहीं. तो मार्सिलिया में जो स्पोरोकार्प बनता है वो पिट्यूल के आधार बेस ऑफ द पिट्यूल प्रेजेंट होते हैं. ऑप्शन बी इज राइट है. नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है स्पोरोफोर इज फाउंड इन. बीजाणुधानी धर पाया जाता है एडियंटम में, मार्सिलिया में, एजोला में और इक्विसिटम प्लांट में. ऑप्शन फोर्थ इज राइट है. ऑप्शन डी यहाँ पर राइट है. इक्विसिटम प्लांट में एक इसके राइजोम से इरेक्ट ब्रांच बनती है जिसके एपेक्स पर स्ट्रोबिलस का फॉर्मेशन होता है एंड जब भी स्ट्रोबिलस या फिर कोन किसी स्टेम लाइक ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर पर बनता है उसी को हम बीजाणुधानी दर या स्पोरोफोर कहते हैं. सो ऑप्शन डी इज राइट है. इक्विसिटम प्लांट. नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है एजोला इज फाउंड इन. एजोला पाया जाता है पॉन्स में, परमानेंट पॉन्स में, रिवर्स में और नन ऑफ द अबव. ऑप्शन सेकंड यहाँ पर राइट है. जो परमानेंट पॉन्स होते हैं जो स्थाई तालाब होते हैं उनमें एजोला प्लांट ग्रो करता है. सो ऑप्शन सेकंड इज राइट है. नेक्स्ट क्वेश्चन है ईच स्पोरोकार्प इन एजोला रिप्रेजेंट अ. एजोला का प्रत्येक स्पोरोकार्प
प्रतिनिधित्व करता है सोराई का, रेटिकुलेट वेनेशन का, मिलचालिका व शिराविन्यास का, डाइकोटोमी का, द्विभाजन शाखन का और सोरस का। सो ऑप्शन फोर्थ ऑप्शन डी यहाँ पर राइट है। एजोला का जो स्पोरोकार्प होता है, यहाँ से हमसे पूछा क्वेश्चन में ईच स्पोरोकार्प, तो एक जो स्पोरोकार्प होता है उसमें क्या मिलता है, सोरस प्रेजेंट होता है। ठीक है, सोरस मीन्स ग्रुप ऑफ स्पोरेंजिया, उसको हम सोरस कहते हैं। एंड सोराई इसका प्लूरल फॉर्म है, मीन्स कई सारे सोरस प्रेजेंट है, तब हम उसको सोराई कहते हैं। ठीक है, सो स्पोरोकार्प में, एजोला के प्रत्येक स्पोरोकार्प में एक सोरस प्रेजेंट होता है। सो ऑप्शन फोर्थ इज राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्टिनो स्टील इज फाउंड इन, एक्टिनो स्टील किसमें मिलता है, लाइकोपोडियम कॉम्प्लेनेटम में, लाइकोपोडियम क्लेवेटम में, लाइकोपोडियम फ्लेगमेरिया में और लाइकोपोडियम सरनम में। तो यहाँ पर देखो बच्चों, मैंने आपको स्टीलर सिस्टम में जो एग्जांपल पूछा है वो स्पीशीज के साथ में पूछ लिया है, तो इस तरह से भी क्वेश्चन आ जाता है। कुछ स्पेशल केसेस में आपको जीनस के साथ में स्पीशीज के नेम भी याद करने हैं। यहाँ पर ऑप्शन बी राइट है, लाइकोपोडियम क्लेवेटम में एक्टिनो स्टील मीन्स स्टार शेप जो स्टील होता है वो पाया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, स्पाइक मॉस इज द कॉमन नेम ऑफ, स्पाइक मॉस किसका सामान्य नाम है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन आपके डेफिनेटली जरूर पूछे जाएंगे, लाइकोपोडियम सिलेजिनेला एडियंटम और टेरिस। सो स्पाइक मॉस इज द कॉमन नेम फॉर सिलेजिनेला प्लांट। लाइकोपोडियम को हम क्लब मॉस कहते हैं, एडियंटम ये मेडन हेयर फर्न के नाम से जाना जाता है, एंड टेरिस को हम लेडर फर्न या फिर चाइनीज ब्रेकन फर्न के नाम से भी जानते हैं। तो सभी इंपॉर्टेंट प्लांट के लिए आप कॉमन नेम याद कर लेना, एल्गीज में, फंजाई में, टेरिडोफाइट्स में, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म अलोंग विद ब्रायोफाइट्स, सबके कॉमन नेम इंपॉर्टेंट है, पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, लाइकोपोडियम इज कॉमनली नोन एज, लाइकोपोडियम सामान्यतः जाना जाता है हॉर्स टेल, क्लब मॉस, क्विल वर्ट और स्टोन वर्ट। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है इस तरह से भी पूछा जा सकता है, आपको यहाँ पर जीनस दे दिया, एक प्लांट का नाम दे दिया एंड उसका कॉमन नेम पूछ लिया। यहाँ पर हमने कॉमन नेम दे दिया एंड पूछ लिया किसको कहते हैं। ठीक है, सो लाइकोपोडियम जो है वो कॉमनली जाना जाता है क्लब मॉस के नाम से। सो ऑप्शन बी इज राइट हियर। स्टोन वर्ट कारा प्लांट होता है, हॉर्स टेल इक्विसिटम प्लांट को कहते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमनली कॉल्ड क्विल वर्ट, क्विल वर्ट के नाम से सामान्यतया जाना जाता है साइलोटम, लाइकोपोडियम, सिलेजिनेला और आइसोइटस। सो क्विल वर्ट एक कॉमन नेम है आइसोइटस के लिए, ऑप्शन डी इज राइट है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, राइनिया वाज डिस्क्राइब्ड बाय, राइनिया पादप का वर्णन किया था बीरबल साहनी ने, अर्नोल्ड ने, किट्सन एंड लैंग ने और स्मिथ ने। सो ऑप्शन सी इज राइट है, किट्सन एंड लैंग डिस्क्राइब्ड राइनिया प्लांट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी एंथ्रेजोइड्स इन आइसोइटस आर, आइसोइटस के परमाणु होते हैं यूनिफ्लेजिलेट एक कशाबी, बाईफ्लेजिलेट द्विकशाबी, मल्टीफ्लेजिलेट बहुकशाबी की और अफ्लेजिलेट अकशाबी के। ऑप्शन सी इज राइट ईयर, आइसोइटस ए टेडोफाइट प्लांट है जिसके परमाणु या एंथ्रेजोइड्स मल्टीफ्लेजिलेटेड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रैबेक्यूली इन सिलेजिनेला इज मॉडिफाइड, ट्रैबेक्यूली रूपांतरित संरचना है सिलेजिनेला में, ट्रैबेक्यूली पाई जाती है, इसके स्टेम में प्रेजेंट होती है, तो ये किसका मॉडिफिकेशन होता है, पेरिसाइकल सेल्स का, परिरम कोशिकाओं का, कॉर्टिकल सेल्स का और एंडोडर्मल सेल्स या अंतस्त्वचीय कोशिकाओं का और नन ऑफ द अबव। सो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट है, ट्रैबेक्यूली जो कि स्टेम से लेकर इसके कॉर्टेक्स तक ऐसे फैली रहती है, ये एंडोडर्मल सेल्स का मॉडिफिकेशन होता है, इस तरह से ये ट्रैबेक्यूली पाई जाती है सिलेजिनेला के स्टेम में। ये इसकी हो गई एपिडर्मिस, ठीक है, एंड ये स्टील हो गया, एंड स्टील के जो एंडोडर्मिस होती है सबसे आउटर मोस्ट लेयर, उससे इस तरह से बैंड लाइक स्ट्रिप्स लाइक पट्टियों जैसे स्ट्रक्चर पाई जाती है, इसी को हम ट्रैबेक्यूली कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी एंथ्रेजोइड्स ऑफ सिलेजिनेला आर, सिलेजिनेला के परमाणु होते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, अफ्लेजिलेट, यूनिफ्लेजिलेट, मल्टीफ्लेजिलेट और बाईफ्लेजिलेट। सिलेजिनेला जो कि टेडोफाइट प्लांट्स है, टेडोफाइट प्लांट्स में मल्टीफ्लेजिलेटेड एंथ्रोजोइड्स या परमाणु पाए जाते हैं, लेकिन सिलेजिनेला प्लांट के केस में जो इसके एंथ्रोजोइड्स होते हैं वो बाईफ्लेजिलेटेड होते हैं। ठीक है, इस तरह से ओवल शेप्ड बॉडी होती है एंड इसके एक एंड से दो फ्लेजिला निकलती है। सो ऑप्शन डी इज राइट हियर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटोस्टील विद मिक्स्ड पित्त इज प्रेजेंट इन, मिश्रित मज्जा युक्त ठोस रंभ पाए जाते हैं लाइकोपोडियम में, सिलेजिनेला में, लेपिडोडेंड्रॉन में और आइसोइटस में, अगेन आपके स्टीलर सिस्टम से एक क्वेश्चन है जिसमें आपको टाइप ऑफ स्टील दे दिया और बताना है किसमें मिलते हैं। ऑप्शन सी इज राइट है, लेपिडोडेंड्रॉन में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, थ्री चैम्बर्ड स्पोरेंजियम इज प्रेजेंट इन, थ्री कोष्ठी बीजाणुधानी पाई जाती है। ऑप्शन ए सिलेजिनेला, लेपिडोडेंड्रॉन, आइसोइटस और साइलोटम। सो ऑप्शन डी इज राइट है, साइलोटम की जो स्पोरेंजिया होती है इस तरह से उसमें तीन चैम्बर्ड होते हैं, इसी को हम सिनेंजियम भी कहते हैं। सो ऑप्शन डी इज राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सोराई बियरिंग लीफ इज नोन एज, सोराई धारण करने वाली पत्ती कहलाती है, प्रोफिल, स्पोरोफिल या बीजाणुपर्ण, बोथ और माइक्रोफिल और सूक्ष्मपर्ण। तो ऐसी मॉडिफाइड लीव्स जिसमें स्पोरेंजिया का डेवलपमेंट होता है, जब स्पोरेंजिया ग्रुप में डेवलप होती है उसी को हम सोराई कह देते हैं। तो ऐसी लीव्स जो कि सोराई को रखती है उसको हम स्पोरोफिल और बीजाणुपर्ण कहते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, द डेवलपमेंट ऑफ स्पोरेंजियम फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ इनिशियल्स इज नोन एज, समूह प्रारंभिक कोशिकाओं से बीजाणुधानी का परिवर्धन जाना जाता है, कॉम्प्लेक्स जटिल, लैप्टोस्पोरेंजिएट सिंपल और सरल प्रकार का, और यू स्पोरेंजिएट टाइप का। सो ऑप्शन डी इज राइट है, स्पोरेंजिया का ऐसा डेवलपमेंट जो कि ग्रुप ऑफ इनिशियल से, ग्रुप ऑफ सेल से होता है उसको हम यू स्पोरेंजिएट कहते हैं, जबकि लैप्टोस्पोरेंजिएट में सिंगल इनिशियल सेल से होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इन्फांस स्पोर जर्मिनेट टू फॉर्म, फंस में बीजाणु अंकुरित होकर बनाते हैं, जाइगोस्पोर बनाते हैं, ओस्पोर बनाते हैं, प्रोथैलस बनाते हैं और एम्ब्रियो बनता है। सो फन प्लांट्स में स्पोर्स के जर्मिनेशन से एक थैलस लाइक स्ट्रक्चर बनती है जिसको हम प्रोथैलस कहते हैं। सो ऑप्शन सी इज राइट है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी स्पोर्स विद इलेटर्स आर फाउंड इन, इलेटर्स सहित बीजाणु पाए जाते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, सिलेजिनेला में मिलते हैं, राइनिया में मिलते हैं, इक्विसिटम में मिलते हैं और लाइकोपोडियम में मिलते हैं। सो ऑप्शन सी इज राइट हियर, इक्विसिटम में जो स्पोर्स बनते हैं उसमें फोर स्ट्रिप लाइक स्पून शेप्ड स्पोर्स के साथ में इलेटर्स पाए जाते हैं, जो कि ऐसा माना जाता है कि स्पोर्स के डिस्पर्जल में हेल्प करते हैं। सो ऑप्शन सी इज राइट हियर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, द कॉमन नेम ऑफ इक्विसिटम इज, इक्विसिटम का सामान्य नाम है, क्लब मॉस, वाटर फर्न, क्विल वर्ट और हॉर्स टेल। ऑप्शन डी इज राइट है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, डाइमॉर्फिक सेकेंडरी वुड इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ, द्विरूपी दिक्तिक वुड का मिलना किसका लक्षण है, स्पिनोफाइलम का, हाइनिया का, इकोसिस्टम का और कैलामाइटिस का। सो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट है, डाइमॉर्फिक सेकेंडरी वुड मीन्स ऐसी वुड जिसमें दो टाइप्स के सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी ट्रेकिट्स या वेसल्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, स्पिनोफाइलम का जो स्टेम होता है इसमें एक्टिनोस्टील पाया जाता है, इस तरह से स्टार शेप्ड इसका वेस्कुलर बंडल होता है। यहाँ पर जो जाइलम प्रेजेंट होता है ये प्रोटोस्टील होता है एंड यहाँ पर बड़े जाइलम ट्रेकिट्स प्रेजेंट होते हैं जिसे हम मेटा जाइलम कहते हैं। जब इसमें सेकेंडरी ग्रोथ मिलती है तो प्रोटोस्टील के अपोजिट जो ट्रेकिट्स डेवलप होती हैं वो स्मॉल साइज की होती है। ठीक है, स्मॉल साइज ट्रेकिट्स एंड यहां पर अल्टरनेटली लार्ज साइज ट्रेकिट्स का डेवलपमेंट होता है। ठीक है, तो इस तरह से इसमें जो सेकेंडरी वुड मिलती है इसमें दो टाइप्स के जाइलम बनते हैं, इसी को हम डाइमॉर्फिक सेकेंडरी वुड कहते हैं। ऑप्शन ए इज राइट है, स्फिनोफाइलम। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इवियोस्टेकिया इज नेम गिवन टू, इवियोस्टेकिया किसको नाम दिया गया है, स्टेम के लिए यूज किया है या इसको रूट के लिए किया है या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है और लीव। तो बच्चों मैंने आपको बताया था कि जैसे डेंड्रोन हम यूज करते हैं स्टेम के लिए, ठीक है, कार्पन हम यूज करते हैं सीड के लिए, ओव्यूल के लिए। सो इवियोस्टेकिया एक फॉसिल स्पीशीज है, इवियोस्टेकिया स्पीशीज कहते हैं, और इसका जो स्टडी की गई है ना रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की गई है। सो ऑप्शन सी इज राइट है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्रेनियल केनाल्स आर फॉर्म्ड ड्यू टू द डिसइंटीग्रेशन ऑफ, किसके विघटन से क्रेनियल केनाल बनती है, क्रेनियल केनाल जो कि इक्विसिटम में प्रेजेंट होती है, ये फ्लोएम के डिसइंटीग्रेशन से, प्रोटोजाइलम, मेटाजाइलम और कैम्बियम या एधा के डिसइंटीग्रेशन से बनती है। सो ऑप्शन बी इज राइट है, प्रोटोजाइलम के डिसइंटीग्रेशन से ग्रेनियल केनाल्स बनती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइनिया इज ए मेंबर ऑफ क्लास, हाइनिया किस वर्ग का सदस्य है, साइलोप्सिडा, लाइपोप्सिडा, स्फिनोप्सिडा और टेरोप्सिडा। सो ऑप्शन सी इज राइट हियर, स्फिनोप्सिडा। इसमें ऐसे टेरोफाइट्स है जिनके जॉइंटेड स्टेम होते हैं। स्फिनोप्सिडा में हाइनिया के साथ में हम इक्विसिटम को भी पढ़ते हैं। हिट्रोमॉर्फिक लीव्स आर प्रेजेंट इन, किसमें हिट्रोमॉर्फिक लीव्स पाई जाती है, मीन्स दो प्रकार की पत्तियां होती हैं, हाइनिया में, स्फिनोफिलम में, इक्विसिटम में, लाइकोपोडियम में। तो यहाँ पर जो आपको ऑप्शन दे रखा है उसमें ऑप्शन बी राइट है, हाइनिया, इक्विसिटम, इनमें स्टेली लीव्स मिलती है, लाइकोपोडियम माइक्रोफिलस होता है जिसमें बहुत छोटी पत्तियां पाई जाती हैं। स्फिनोफिलम इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, दी सोराई ऑफ हाइमिनोफिलम आर बॉर्न ऑन दी, हाइमिनोफिलम के सोराई परिवर्तित होते हैं, मार्जिन्स ऑफ दी स्पोरोफिल्स, बीजाणुपर्ण के किनारों पर, डॉर्सल सरफेस ऑफ दी स्पोरोफिल्स, ये बीजाणुपर्ण के पृष्ठीय सतह पर, वेंट्रल सरफेस ऑफ दी स्पोरोफिल्स, बीजाणुपर्ण की अधर सतह पर, या रेकिस ऑफ दी स्पोरोफिल्स, बीजाणुपर्ण के रेकिस पर। सो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट है, स्पोरोफिल्स के मार्जिन्स पर हाइमिनोफिलम में स्पोरेंजिया और सोराई का डेवलपमेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मिडन हेयर फर्न इज द नेम गिवन टू, मिडन हेयर फर्न के नाम से किसको जाना जाता है, टेरिस को, एडियंटम को, पोलिपोडियम को और ट्रायोप्टेरिस को। ऑप्शन बी इज राइट है, मिडन हेयर के नाम से एडियंटम को जाना जाता है, टेरिस प्लांट को हम चाइनीज ब्रेकन फर्न भी कहते हैं या लेडर फर्न भी कहते हैं। बच्चों आप मुझे कमेंट करके बताइए पोलिपोडियम एंड ट्रायोप्टेरिस का कॉमन नेम क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोराई आर नॉट प्रोटेक्टेड बाय इंड्यूशियम इन, किसमें सोराई इंड्यूशियम के द्वारा संरक्षित नहीं होते, मीन्स किसमें सोराई के चारों ओर इंड्यूशियम नहीं पाया जाता है, लाइकोपोडियम में, सिलिजिनेला में, पोलिपोडियम में और ऑस्मुंडा में। ऑप्शन डी इज राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टील ऑफ रेकिस इन ट्रायोप्टेरिस इज, ट्रायोप्टेरिस के रेकिस के रंब कैसे होते हैं, प्रोटोस्टील, ठोस रंब, साइफोनोस्टील, नाल रंब, डिक्टोस्टील और प्लेक्टोस्टील। सो ट्रायोप्टेरिस के रेकिस में डिक्टोस्टील पाए जाते हैं। ऑप्शन सी इज राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायमॉर्फिक लीव्स आर प्रेजेंट इन, द्विरूपी पत्तियां पाई जाती है ऑस्मुंडा रिगेलिस में, ऑस्मुंडा सिनेमोनिया में, ऑस्मुंडा जेवोनिका में और ऑस्मुंडा क्लेटोनिया में। सो ऑप्शन बी इज राइट है। बच्चों यहाँ पर आप देखो कुछ जीनस के लिए आपको स्पीशीज के नेम भी याद होने चाहिए, इसके ऊपर क्वेश्चन बन जाते हैं। लाइकोपोडियम की स्पीशीज के नेम भी आप याद करके जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन मेराटिया दी स्पोरेंजिया आर, मेराटिया में स्पोरेंजिया कैसी होती है, बॉर्न सेपरेटली, अलग अलग बॉर्न होती है, फ्यूज टू फॉर्म सिनेंजिया या सिनेंजिया बनाती है, प्रेजेंट इन पेयर्स या प्रेजेंट में होती है या फिर नहीं पाई जाती, एब्सेंट होती है। सो ऑप्शन बी इज राइट हियर, साइलोटम के साथ ही सिनेंजिया का फॉर्मेशन मेराटिया में भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोनोटिपिक, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, ओफियोग्लोसा, बोट्राइकियम, हेलमिंथोस्टाइकस और इक्विसिटम। यहाँ पर हमको बताना है कि कौन सा एक मोनोटिपिक है। बच्चों मोनोटिपिक का मतलब होता है कि अगर हम टैक्सोन के केस में बात करें, मोनोटिपिक टैक्सोन, तो इसका मतलब होता है कि ऐसा टैक्सोन जिसके नीचे एक ही उसका नीचे वाला सब टैक्सोन प्रेजेंट है। जैसे कि गिंगो के केस में हम पढ़ते हैं, गिंगो इस ऑर्डर में एक ही फैमिली आती है, गिंगोएसी, गिंगोएसी फैमिली में एक ही जीनस है गिंगो, एंड गिंगो जीनस में एक ही स्पीशीज है बायलोबा, ठीक है, तो एक मोनोटिपिक हो जाता है। इसी तरह नोमेनक्लेचर में किसी जीनस के लिए हम तब मोनोटिपिक वर्ड यूज करते हैं, मोनोटिपिक टर्म को यूज करते हैं जब किसी जीनस की एक ही स्पीशीज होती है एंड जीनस एंड स्पीशीज को हमने एक साथ उसका डिस्क्रिप्शन दिया है तो मोनोटिपिक हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है हेलमिंथोस्टाइकस है, हेलमिंथोस्टाइकस एक मोनोटिपिक टाइडोफाइट प्लांट है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, स्पोरेंजिया ऑफ ओफियोग्लोसम आर सीन इन द फॉर्म ऑफ ओफियोग्लोसम में, बीजाणुधानी किस रूप में दिखाई देती है, स्ट्रॉबिलस बनता है, शंकु होता है, स्पोरोफिल या स्पाइक या टेसल के फॉर्म में। ऑप्शन सी इज राइट हियर, ओफियोग्लोसम को हम कॉमनली एडम्स ट्रंक फर्न के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्मंडेस इज लिंक बिटवीन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, ऑस्मंडेस किसका लिंकर है, किसके बीच की कड़ी है, सिलेजिनेला एंड लाइकोपोडियम, लेप्टोस्पोरेंजिटी एंड यूस्पोरेंजिटी, इलिक्विलिटी एंड लिक्विलिटी और टाइटोफाइट एंड जिम्नोस्पर्म्स। सो ऑस्मंडेस जिसको हम प्रोटो लेप्टोस्पोरेंजिटी में रखते हैं, प्रोटो लेप्टो स्पोरेंजिटी, तो इट इज द लिंकर बिटवीन लेप्टोस्पोरेंजिटी एंड यूस्पोरेंजिटी। ऑप्शन बी इज राइट है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इन विच सेक्शन ऑफ स्पोरोकार्प
only single type of sporangia occurred. Marsilia sporocarp के किस काट में केवल एक ही प्रकार की बीजाणुधानी पाई जाती है? बच्चों मार्सिलिया स्पोरोकार्प के HLS है, VLS है, VTS है, तो इनके जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है किसमें जिलेटिनस रिंग दिखाई देती है, किसमें एक ही टाइप का सोरस दिखाई देता है, तो ठीक है इस टाइप के कैरेक्टरिस्टिक फीचर आप याद कर लेना, इसके ऊपर क्वेश्चन इस तरह से बन जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं HLS में, VLS में, VTS में और ऑल ऑप्शन बी इज राइट है। वर्टिकल लॉन्जिट्यूडनल सेक्शन में जब हम स्पोरोकार्प का देखते हैं स्टडी करते हैं तो एक ही प्रकार की स्पोरेंजिया उनको दिखाई देती है, या तो माइक्रोस्पोरेंजिया होती है या फिर मेगा स्पोरेंजिया होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर ऑफ सोराई इन स्पोरोकार्प ऑफ डिफरेंट स्पीशीज ऑफ मार्सिलिया। मार्सिलिया की विभिन्न जातियों में स्पोरोकार्प में सोराई की संख्या होती है 1 से 4 होती है, 2 से 8 होती है, 2 से 20 होती है, 20 से 50 होती है। सो मार्सिलिया की अलग अलग जातियों में जो सोराई प्रेजेंट होते हैं उनका जो नंबर होता है स्पोरोकार्प में वो 1 से 4 एक स्पोरोकार्प में प्रेजेंट होता है। सो ऑप्शन ए इज राइट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी आर्किगोनियम डेवलप्ड इन द फीमेल गैमेटोफाइट ऑफ मार्सिलिया। मार्सिलिया के फीमेल गैमेटोफाइट मादा युगपथोद्भिद में कितनी स्त्री धानियों का परिवर्धन होता है? एक आर्किगोनिया बनती है, 2 बनती, 4 बनती या 8 बनती? ऑप्शन ए इज राइट हियर। मार्सिलिया के फीमेल गैमेटोफाइट में सिंगल एक ही आर्किगोनिया का डेवलपमेंट होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है हाउ मेनी स्पोर्स वर फाउंड इन दी मेगा स्पोरेंजियम ऑफ मार्सिलिया। मार्सिलिया के दीर्घ बीजाणुधानी में कितने बीजाणु पाए जाते हैं, मीन्स कितने मेगा स्पोर्स पाए जाते हैं? ओनली 1, ओनली 2, ओनली 4 और ओनली 8। मार्सिलिया के जो मेगा स्पोरेंजिया होती है उसमें एक ही मेगा स्पोर बनता है। मेगास्पोर मदर सेल में रिडक्शन डिवीजन से 4 मेगा स्पोर्स बनते हैं, 3 डीजनरेट हो जाते हैं, ओनली 1 मेगा स्पोर ही फंक्शनल होता है। सो ओनली 1 इज राइट हियर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है स्पीशीज ऑफ साइलोटम फाउंड इन इंडिया। भारत में साइलोटम की कितनी जातियां पाई जाती हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 2 पाई जाती है, 5, 10 या 120? तो ऑप्शन बी इज राइट हियर, सॉरी ऑप्शन ए इज राइट हियर। साइलोटम की भारत में 2 जातियां मिलती है, साइलोटम न्यूडम एंड साइलोटम फ्लेसिडम। नेक्स्ट क्वेश्चन है गैमेटोफाइट ऑफ साइलोटम इज। साइलोटम का युग्मकोद्भिद होता है माइकोराइजल, मींस गैमेटोफाइट में फंगल हाइफी कवक तंतु पाए जाते हैं। डायोशियस होता है, मींस गैमेटोफाइट में मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन एंथ्रीडिया एंड आर्किगोनिया दोनों का डेवलपमेंट होता है। सैप्रोफिटिक होते हैं, मृत जीवी होते हैं और ऑल ऑफ द अबव। सो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट है। साइलोटम का जो गैमेटोफाइट होता है माइकोराइजल भी होता है, डायोशियस भी होता है एंड सैप्रोफिटिक भी होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एंडोफिटिक माइकोराइजा प्रेजेंट इन द राइजोम ऑफ। किसके राइजोम में अंतःपादपी कवक मूल किसके प्रकंद में पाए जाते हैं? मार्सिलिया में, साइलोटम में, इक्विसिटम में और नन ऑफ द अबव। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट है। साइलोटम का जो राइजोम होता है प्रकंद होता है उसमें एंडोफिटिक माइकोराइजा और कवक तंतु पाए जाते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है प्रिंशिन प्रपोज्ड प्रिंशिन के द्वारा दिया गया होमोलोगस थ्योरी, इंटरकैलेशन थ्योरी, टिलोम थ्योरी और ऑल ऑफ द अबव। बच्चों बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक थ्योरी जो आपके दे रखी है टिलोम थ्योरी दे रखी है एंड टाइडोफाइट्स के इवोल्यूशन के रिगार्डिंग थ्योरीज दे रखी है, तो किसने प्रपोज की एंड वो थ्योरी क्या कहती है इसको याद करके जाना। प्रिंशिन ने होमोलोगस थ्योरी दी, इन्होंने क्या बताया कि ये थ्योरी क्या कहती है कि जो ब्रायोफाइट्स है एंड टाइडोफाइट्स है दोनों का जो ओरिजन है इवोल्यूशन है वो एल्गल एंसेस्टर से साथ साथ में हुआ है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग जनरेशन इज कॉल्ड। लैंगिक जनन करने वाली पीढ़ी कहलाती है स्पोरोफाइट होती है मीन्स बीजाणुद्भिद होती है, गैमेटोफाइट होती है, युग्मकोद्भिद होती है, दोनों कहलाती है और नन ऑफ द अबव। सो स्पोरोफाइट जनरेशन जो स्पोर प्रोड्यूसिंग होती है, ठीक है, स्पोर फॉर्म करने वाली जो जनरेशन होती है स्पोर फॉर्मिंग जनरेशन उसको हम स्पोरोफाइट कहते हैं एंड स्पोर का फॉर्मेशन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा होता है, ठीक है। सो ये असेक्सुअली रिप्रोड्यूस करती है एंड गैमेटोफिटिक जनरेशन मीन्स गैमेट प्रोड्यूसिंग जनरेशन, गैमेट को फॉर्म करने वाली जनरेशन
गैमेटोफिटिक होती है एंड गैमेट का फॉर्मेशन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है. सो लैंगिक जनन करने वाली जो पीढ़ी होती है वो गैमेटोफाइट कहलाती है. ऑप्शन बी इज राइट हियर. नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन. इस टर्म को फर्स्ट यूज किया था किसने, पीढ़ी एकांतरण शब्द का प्रथम प्रयोग किया था, स्ट्रॉसबर्गर ने, बोवर ने, हॉफमेस्टर ने और नन ऑफ द अबव. ऑप्शन ए इज राइट हियर, स्ट्रॉसबर्गर. नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है रेमेंटा प्रेजेंट ऑन, रेमेंटा पाए जाते हैं पिट्यूल ऑफ फर्न, लीव्स ऑफ सिलेजिनेला, सिलेजिनेला की पत्तियों पर या फर्न के व्रंत पर, एक्सिस ऑफ राइनिया, राइनिया के अक्ष पर या राइजोम ऑफ इक्विसिटम या इक्विसिटम के राइजोम पर. सो जो रेमेंटा होते हैं वो बहुत ही सूक्ष्म हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, रोम जैसी संरचनाएं होती हैं जो कि फर्न के पिटियोल पर पाए जाते हैं. इसके साथ ही जो रेमेंटा होते हैं ये जो जिम्नोस्पर्म प्लांट्स होते हैं उनमें जो लीव्स यंग स्टेज में होती है जो सर्सिनेट वर्निशन को दिखाती है उनमें भी रेमेंटा पाए जाते हैं. सो ऑप्शन ए इज राइट हियर, पिटियोल ऑफ फर्न. नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मेंबर इज नॉट फॉसिल, निम्न में से कौन सा जीवाश्म नहीं है, राइनिया, हॉर्नियोफाइटोन, टेमिस्टेरिस और एस्टेरोजाइलन. सो ऑप्शन सी इज राइट हियर, टेमिस्टेरिस इज अ लिविंग प्लांट, ये फॉसिल प्लांट नहीं है. फॉसिल प्लांट में आप टाइडोफाइट्स के फॉसिल्स के नेम एंड जिम्नोस्पर्म्स के फॉसिल्स के नेम बच्चों अच्छे से याद करके जाना. क्वेश्चन है मॉडर्न फर्न्स प्लेस्ड अंडर विच क्लास, आधुनिक फर्न किस वर्ग में रखे गए, यूस्पोरेंजियोप्सिडा, लेप्टोस्पोरेंजियोप्सिडा, प्राइमोफिलिकोप्सिडा और लिक्युलोप्सिडा. सो ऑप्शन बी इज राइट हियर, जो मॉडर्न फर्न्स है उनको हम लेप्टोस्पोरेंजिटी में रखते हैं. नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वैस्कुलर क्रिप्टोजेम्स आर थैलोफाइट्स, प्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स और ऑल. ऑप्शन सी इज राइट हियर, टेरिडोफाइट्स, ये वैस्कुलर क्रिप्टोजेमस प्लांट्स होते हैं. नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है फर्स्ट वैस्कुलर क्रिप्टोजेम्स केप्ट अंडर ट्रेक्योफाइटा बाय संवहनी क्रिप्टोजेम्स पादपों को ट्रेक्योफाइटा में किसके द्वारा रखा गया था, ईम्स, टिपो, स्पोर्ने और सिनेट के द्वारा. ऑप्शन डी इज राइट हियर, सिनेट के द्वारा जो वैस्कुलर प्लांट्स होते हैं वैस्कुलर क्रिप्टोजेम्स प्लांट्स को सिनेट ने ट्रेक्योफाइटा में रखा था. नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वैस्कुलर प्लांट्स आर ओरिजिनेटेड इन, संवहनी पादपों का उद्भव माना जाता है सिल्यूरियन पीरियड में, जुरैसिक पीरियड में, कैम्ब्रिज पीरियड में और ट्रायसिक पीरियड में. सो ऑप्शन ए इज राइट हियर, सिल्यूरियन पीरियड में. तो इस तरह से आप इवोल्यूशन वाला जब टॉपिक पढ़ोगे तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट एराज हैं या पीरियड्स हैं उनको भी आप अच्छे से याद करके जाना. बहुत सिंपल क्वेश्चन बन जाते हैं लेकिन इसके ऊपर इवोल्यूशन के ऊपर एक क्वेश्चन जरूर आ जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है गैमेटोफाइट्स आर अननोन इन विच ग्रुप, किस ग्रुप में गैमेटोफाइट ज्ञात नहीं है, लाइकोप्सिडा में, साइलोटोप्सिडा में, टेरोप्सिडा में और साइलोफाइटोप्सिडा में. सो ऑप्शन डी इज राइट हियर, साइलोफाइटोप्सिडा जिसमें फॉसिल टाइडोफाइट्स आते हैं इनमें गैमेटोफाइट इनका अभी तक ज्ञात नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉसिल हेट्रोस्पोरस टाइडोफाइट्स आर, जीवाश्मीय विषम बीजाणु टाइडोफाइट है, लेपिटोकार्पन, मेजोकार्पन, कैलमोकार्पन और ऑल. सो ऑप्शन डी इज राइट हियर. नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकेंडरी ग्रोथ अकर इन विच टाइडोफाइट, द्वितीयक वृद्धि किस टाइडोफाइटा में पाई जाएगी, एजोला में, साल्विनिया में, आइसोइटस में और सिलेजिनेला में. ऑप्शन सी इज राइट हियर. नेक्स्ट क्वेश्चन है सोड फर्न है, सोड फर्न के नाम से जाना जाता है एजोला पिनोटा, साइथिया स्पीशीज और नेफ्रोलेपिस, क्लॉडिफोलिया और लाइकोडियम स्पीशीज. ऑप्शन सी इज राइट हियर, नेफ्रोलेपिस, क्लॉडिफोलिया इसको हम सोड फर्न के नाम से भी जानते हैं, ये टाइडोफाइटा ऑर्नामेंटल फर्न प्लांट है. नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज सीट, निम्न में से बीच है वर्टिब्रेरिया, कैलमोथीका, लेपिटोकार्पन और लेपिटोफाइलम. सो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट है, लेपिटोकार्पन एक सीट है, एक फॉसिल सीट है एंड लेपिटोफाइलम ये लीफ होता है एंड थीका जो है हम आवरण या कवच के लिए कहते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है राइनिया बिलोंग्स टू विच एरा, राइनिया किस एरा से संबंधित है, मिड डिवोनियन पीरियड, कार्बोनिफेरस पीरियड, परमियन पीरियड और नन ऑफ द अबव. सो ऑप्शन ए इज राइट हियर. नेक्स्ट क्वेश्चन है
राइजोफोर इज स्टेम बिकॉज ऑफ फॉलोविंग, राइजोफोर तना है क्योंकि राइजोफोर जो कि सिलेजिनेला में पाया जाता है एक बहुत ही डेलिकेट सी स्ट्रक्चर होती है एंड स्टेम के साथ में ये अलग से पाई जाती है। इसको रूट्स जैसा भी माना जाता है, रूट्स ओरिजिन भी माना जाता है एंड इसका स्टेम ओरिजिन भी माना जाता है अलग अलग मतों में। एंड दोनों ही मत के सपोर्ट में कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स भी बता रखे है। तो राइजोफोर तने ओरिजिन का है क्योंकि इसमें एंडोजीनस ओरिजिन होता है, रूट हेयर एब्सेंट होते हैं, स्टेम एरोज बाय एंगुलर स्टेम और ऑल ऑफ द अबव। सो ये सभी जो फैक्टर्स दे रखे, फीचर्स दे रखे हैं, ये राइजोफोर एक स्टेम ओरिजिन की स्ट्रक्चर है, इसको सपोर्ट करते हैं। सो ऑप्शन डी इज राइट हियर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एम्ब्रियो डेवलपमेंट अकर्ड इन मेगास्पोरेंजियम ऑफ विच स्पीशीज ऑफ सिलेजिनेला। ठीक है, सिलेजिनेला की किस स्पीशीज में, किस जाति में भ्रूण परिवर्धन दीर्घ बीजाणुधानी में पाया जाता है। ठीक है, मीन्स भ्रूण का जो डेवलपमेंट होता है वो बीजाणुधानी में ही होता है, जो मेगास्पोर होता है वो बीजाणुधानी में ही रिटेन रहता है, जिस जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है हिट्रोस्पोरी एंड एम्ब्रियो डेवलपमेंट के लिए। सो ये किसमें पाया जाता है, किसमें स्टडी किया गया है, सिलेजिनेला रुपेस्ट्रिस में, सिलेजिनेला मोनोस्पोरा में, बोथ ए एंड बी और नन ऑफ द अबव। सो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट है, सिलेजिनेला रुपेस्ट्रिस एंड सिलेजिनेला मोनोस्पोरा, दोनों में जो मेगास्पोरेंजियम होती है इसमें जो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है वो मेगास्पोरेंजियम में ही होता है, मेगास्पोर मेगास्पोरेंजियम में ही रिटेन रहता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, 13 सेल्ड स्टेज फाउंड इन मेल गैमेटोफाइट ऑफ सिलेजिनेला। सिलेजिनेला के नर युग्मकोद्भिद में 13 कोशिकीय अवस्था में मिलता है। सिलेजिनेला का जब मेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट होता है तो एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर आता है, 13 सेल्ड स्टेज बनती है। ठीक है, उस स्टेज में क्या कॉम्बिनेशन होता है ये हमको बताना है। 8 जैकेट सेल्स होती है, 8 प्राइमरी एंट्रोकोनियल सेल्स होती है एंड 8 प्रोथेलियल सेल होती है, या फिर 6 जैकेट सेल होती है, 6 प्राइमरी एंट्रोकोनियल सेल्स होती है या 8 प्रोथेलियल सेल होती है, 10 जैकेट सेल्स होती है, 2 प्राइमरी एंट्रोक्रोनियल सेल होती है एंड 8 प्रोथेलियल सेल होती है, या फिर 4 जैकेट सेल्स होती है, 8 प्राइमरी एंट्रोक्रोनियल सेल्स होती है या 8 प्रोथेलियल सेल होती है। तो सिलेजिनेला के मेल गैमेटोफाइट के डेवलपमेंट में जो 13 सेल्ड स्टेज आती है उसमें 8 जैकेट सेल्स होती है, 4 प्राइमरी एंट्रोक्रोनियल सेल्स होती है और 1 प्रोथेलियल सेल होती है। ठीक है, इसको बच्चों अच्छे से याद कर लेना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, राइजोइड्स कंटेनिंग स्पोरोफिटिक प्लांट्स आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ राइजोइड्स युक्त बीजाणुद्भिद लक्षण है। स्पोरोफाइट प्लांट में जड़ तना पत्ती पाए जाते हैं, स्टेम एंड लीव्स के साथ में रूट्स पाई जाती हैं, लेकिन टेरिडोफाइटा का सबसे प्रिमिटिव लोअर ग्रुप जिसमें राइजोइड्स पाए जाते हैं रूट्स नहीं मिलती कौन सा है, प्रायोप्सिडा, स्फिनोप्सिडा, साइकेडोफाइटा और साइलोप्सिडा। सो ऑप्शन डी इज राइट हियर, साइलोप्सिडा जिसमें हम साइलोटम को पढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्रिप्टोगेमिक प्लांट्स आर, क्रिप्टोगेम्स प्लांट्स होते हैं सीडलेस, बीज रहित, भ्रूण रहित या एम्ब्रियोलेस, लीफलेस और रूटलेस। सो क्रिप्टोगेम्स प्लांट्स सीडलेस होते हैं, ऑप्शन ए इज राइट हियर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इन टाइडोफाइट स्पोर जर्मिनेट टू फॉर्म, टाइडोफाइट्स में स्पोर्स अंकुरित होकर बनाते हैं प्रोटोनिमा, प्रोथेलस, स्पोरोफाइट और आर्किगोनियम। टाइडोफाइट्स प्लांट्स में स्पोर्स के जर्मिनेशन से एथेलस लाइक स्ट्रक्चर बनती है जिसे हम प्रोथेलस कहते हैं। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड आंसर द क्वेश्चंस व्हिच फॉलोस देम। यहाँ पर आपको कुछ स्टेटमेंट दे दिए, इस तरह से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट है, इन लिवरवर्ट्स, मॉसेस एंड फंस गैमेटोफाइट्स आर फ्री लिविंग। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, जिम्नोस्पर्म्स एंड सम फंस आर हेटरोस्पोरस। नेक्स्ट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्यूकस, वॉल्वोक्स एंड एल्बुको इज ऊगेमस। नेक्स्ट है, द स्पोरोफाइट इन लिवरवर्ट इज मोर इलेबोरेट देन दैट इन मॉसेस। एंड लास्ट है, पोर पाइनस एंड मार्केशिया आर डायोशियस। और यहाँ पर हमसे पूछा है हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, हमको बताना है कितने स्टेटमेंट यहाँ पर सही हैं। ठीक है, तो फर्स्ट अगर स्टेटमेंट हम पढ़ते हैं, लिवरवर्ट्स एंड मॉसेस जो कि ब्रायोफाइट्स हैं एंड फंस, इन तीनों के गैमेटोफाइट फ्री लिविंग होते हैं, तो ये स्टेटमेंट जो है अपने आप में करेक्ट है।
टाइटोफाइट्स में जो गैमेटोफाइट होता है वो इंडिपेंडेंट होता है, फ्री लिविंग होता है, ठीक है। सो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो गया, करेक्ट हो गया। जिम्नोस्पर्म एंड सम फंस, जिम्नोस्पर्म के एंड कुछ फंस के ये हेटरोस्पोरस होते हैं या विषम बीजाणु होते हैं, ये स्टेटमेंट भी यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्यूकस वॉल्वॉक्स एंड एल्बुफॉय इज ऊगेमस। फ्यूकस जो है वो ब्राउन एल्गे, तो इसमें ऊगेमस टाइप का नहीं होता। सो ये जो स्टेटमेंट हुआ ये अपने आप में यहाँ पर रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट है स्पोरोफाइट इन लीवरवर्ट्स इज मोर इलेबोरेट देन दैट इन मॉसेस, कि मॉसेस के कंपैरिजन में जो लीवरवर्ट्स होते हैं हिपेटिकॉप्सिडा के जो मेंबर्स हैं इनका स्पोरोफाइट ज्यादा एडवांस्ड होता है, तो ये भी रॉन्ग है। हमें पता है मॉसेस के जो स्पोरोफाइट्स होते हैं ये मोर इलेबोरेटेड होते हैं। लास्ट स्टेटमेंट है बोथ पाइनस एंड मार्केशिया आर डायोशियस, पाइनस एंड मार्केशिया दोनों ही डायोशियस है, तो ये जो स्टेटमेंट है ये भी अपने आप में करेक्ट स्टेटमेंट है। सो तीन यहाँ पर करेक्ट है। सो ऑप्शन दे रखे 4, 1, 2 एंड 3, सो ऑप्शन 4 इज राइट हियर, कि चार नंबर का जो ऑप्शन है 3 स्टेटमेंट्स यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है मेगास्पोरेंजियम इज इक्विवेलेंट टू, दीर्घ बीजाणु धानी किसके तुल्य है, बीजांड के, भ्रूण कोश या एम्ब्रोसैक के, न्यू सेलस के और फ्रूट के। बच्चों बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मेगास्पोरेंजियम इसमें मेगास्पोर मदर सेल होती है, ठीक है। मेगास्पोर मदर सेल में मियोसिस होता है एंड जिसके रिजल्टेंट क्या बनता है मेगास्पोर, ठीक है, इसमें बनेगा मेगास्पोर। अभी किसके इक्विवेलेंट है ओव्यूल, ठीक है, बीजांड, बीजांड में भी क्या होता है मेगास्पोर मदर सेल होती है जिसमें मियोसिस होता है एंड मेगास्पोर बनता है, क्लियर है, एंड देन फिर मेगास्पोर से एम्ब्रियोसैक बनेगा, ठीक है। सो ऑप्शन ए इज राइट हियर ओव्यूल। नेक्स्ट एंड लास्ट हमारा क्वेश्चन है एडिएंटम एंड साइकस रिसेम्बल ईच अदर इन हैविंग, एडिएंटम व साइकस, एडिएंटम जो कि एक टाइटोफाइट ऑफ फर्न है एंड साइकस ये जिम्नोस्पर्म प्लांट है, एक दूसरे से निम्न में समानता रखते हैं, किस लक्षण में ये समानता रखते हैं, कैम्बियम प्रेजेंट होता है या वेसल्स होती है, वाहिका पाई जाती है दोनों में, या सीड्स प्रेजेंट होते हैं या मोटाई स्पर्म्स होते हैं। सो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट है, जिम्नोस्पर्म में वैसे तो जो स्पर्म्स होते हैं वो मोटाइल नहीं होते, लेकिन साइकस में मल्टी फ्लैजिलेटेड टॉप शेप्ड स्पर्म्स पाए जाते हैं जो कि बहुत कशाबीकीय होते हैं, ठीक है। सो ऑप्शन डी इज राइट हियर, एडिएंटम एंड साइकस दोनों के जो स्पर्म्स होते हैं जो एंथ्रेजोइड्स होते हैं वो मोटाइल होते हैं, इस कैरेक्टर में ये दोनों प्लांट आपस में समानता को दर्शाते हैं। बच्चों आज हमने हंड्रेड्स ऑफ क्वेश्चंस टाइटोफाइटा टॉपिक में से सॉल्व किए हैं। आई होप ये क्वेश्चंस आपको एक गाइडेंस देंगे कि इस वाले टॉपिक को आपने किस तरह से तैयार करने हैं, किन पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए आपने अपने नोट्स बनाने हैं, आपने अपनी तैयारी करनी है। किसी भी टॉपिक के रिगार्डिंग आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दे रखा है एंड डिस्क्रिप्शन में मैंने पूरा आपको प्ले लिस्ट का लिंक दे रखा है जिसमें डिफरेंट टाइप्स के अलग अलग टॉपिक्स के क्वेश्चन है, आप इन क्वेश्चन को एक बार जरूर से पढ़ के जाइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज आप लाइक जरूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। Thank you so much, students.